पूरा बगीचा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितने हरे भरे और अच्छी ताज़ी हवा चल रही है, और साथ में ये आम फले हुए, ये भी दिखाता जा रहा हूँ आपको, कैसे आम लटके हुए हैं बड़े बड़े और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए ये आम का पेड़ कितना बड़ा है, और ये जो पेड़ देख रहे हैं ये हमारा अपना पेड़ है। इसमें आम फले हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हैं, और इस आम का नाम है सुक्कुल आम। ये आम जो है सुक्कुल आम जो है अचार बनाने के लिए होता है, और ये देखिए फले हुए हैं और तोड़े भी जा रहे हैं क्योंकि आज हम इसे तुड़वा रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए आम तोड़े जा रहे हैं, और ये भाई साहब ऊपर चढ़े हुए हैं आम तोड़ने के लिए, और वो टोकरी टाइप का बाल्टी रख रखा है उन्होंने, जिससे आम तोड़ तोड़ के उसमें रख रहे हैं। देखिए आम इधर साइड तो काफ़ी भरे हुए हैं, सुक्कुल आम हमारे पेड़ का अपना आम है ये। ये देखिए कैसे तोड़ रहे हैं वो, जैसे मछली पकड़ने के लिए बंसी बनाई जाती है, फिर आम तोड़ने के लिए भी इस टाइप की लग्गी बोलते हैं, उसको लग्गी बनाते हैं। और ये एक और पेड़, ये मालदा आम है जिसे लंगड़ा भी बोलते हैं, और ये बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल छोटा पेड़ है, कुछ साल पहले लगाया गया लेकिन इसमें फला हुआ है मालदा आम। कुछ साल पहले लगाया गया ये पेड़, छोटा है आप देख सकते हैं, और लेकिन आम इसमें फले हुए हैं। ये देखिए मैं, ये देखिए बिल्कुल नीचे नीचे को लटके हुए मालदा आम, वाह। करीब 50 आम इसमें फले हुए हैं, छोटा पेड़ है, किफ़ायती है, इतने छोटे में 50-70 आम फल जाना, और लंगड़ा आम तो आप जानते ही हैं कितना टेस्टी होता है, सबसे फेमस आम है ये।